दोस्तों, पुराने वक्तों में हमाम हुआ करते थे, जहां लोग गुसल की गर्ज से जाया करते थे। एक दफा हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह हमाम के लिए गए तो वही पुरानी गदड़ी लपेटे हुए थे। पापोश भी पुसीदा थी और लिबास भी कोई खास उम्दा ना था। हमाम के हामियों ने जब बहलोल को आते देखा तो हुलिया देखकर कोई खास तवज्जो ना दी, जबकि बाकी अगर कोई गाहक आता दिखाई देता तो खूब आओ भगत करते। हजरत बहलोल ने दाना को बहुत नागवार गुजरा। खैर, अल्लाह अल्लाह करके काफी देर के बाद बारी आई तो उन्होंने हजरत बहलोल की कोई खास परवाह नहीं की। अब हजरत ने ठान ली कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह जब नहाने से फारिग हुए तो जाने से पहले अपनी जेब से 10 दिनार निकाल के हमाम के मालिक के हाथ पर रख दिए। मालिक इतनी ज्यादा उजरत देखकर बहुत हैरान हुआ और जी ही जी में खुश भी, मगर चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार भी नुमाया थे कि हमने हजरत बहलोल की खातर मदारत ना की, जबकि वो तो सबसे ज्यादा उजरत देकर जा रहे हैं। हजरत ने उसकी नदामत पर कोई जवाब ना दिया और वहां से चल दिए। दोस्तों, अगले हफ्ते बहलोल फिर गुसल के लिए जब हमाम की तरफ आए तो हजरत बहलोल को आते देखकर हमामियों ने बड़ी शफकत से हाथों हाथ लिया, चिनाचा खातर मदारत में कोई कसर ना छोड़ी। जब हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह हमाम से फारिग हो गए तो जेब में हाथ डाला और 1 दिनार मालिक को पेश कर दिया। मालिक 1 दिनार कीमत देकर गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा, ये क्या मजाक है, इतनी खातर मदारत की सिर्फ ये उजरत? किबला, ये 1 दिनार तो मैंने पिछले हफ्ते की उजरत दी है और जो पिछले हफ्ते 10 दिनार दिए थे वो इस हफ्ते के हैं, ताकि आपको एहसास हो कि ग्राहकों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मालिक बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मुलाजमों को खूब डांट डपट की। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमाए और हमारे मुल्क को अहले बैत व तहार के सदके इस बीमारी से और इस वबा से निजात दिलाए। आमीन। रहमतिका या अर्रहमान रहीम।